अगर आपको महाभारत पढ़ना पसंद है या हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था धृतराष्ट्र का दुर्योधन को समझाना और दुर्योधन का धृतराष्ट्र को द्युतक्रीड़ा के लिए उकसाना और द्युतक्रीड़ा का वर्णन भी किया था। वो वीडियो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, आप इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है, उसको कंटिन्यू करते हुए विदुर और धृतराष्ट्र की बातचीत। तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को द्युत क्रीड़ा के लिए मना लिया। फिर भीष्मपितामह जी कहते हैं, जन्मेजय अपने पुत्र दुर्योधन का मत जानकर राजा धृतराष्ट्र ने देव को दुस्तर माना और यह कार्य किया। विद्वानों में श्रेष्ठ विदुर ने धृतराष्ट्र का यह अन्यायपूर्ण आदेश सुनकर भाइयों को उस बात का अभिनंदन नहीं किया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, महाराज मैं आपके इस आदेश का अभिनंदन नहीं करता, आप ऐसा काम मत कीजिए, इससे मुझे समस्त कुल के विनाश का भय है। नरेंद्र, पुत्रों में भेद होने पर निश्चय ही आपको कलह का सामना करना पड़ेगा, इस जुए के कारण मुझे ऐसी आशंका हो रही है। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर यदि देव प्रतिकूल ना हो तो मुझे कलह भी कष्ट नहीं दे सकता। विधाता का बनाया हुआ यह संपूर्ण जगत देव के अधीन होकर ही चेष्टा कर रहा है, स्वतंत्र नहीं। इसीलिए विदुर तुम मेरी आज्ञा से आज राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन दुर्धर्ष कुंती कुमार युधिष्ठिर को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ, द्युत क्रीड़ा के लिए मतलब। उसके बाद नया चैप्टर विदुर और युधिष्ठिर की बातचीत तथा युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में जाकर सबसे मिलना। भीष्मपितामह जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली बलवान और अच्छी प्रकार काबू में किए हुए महान अश्व से जुते रथ पर सवार हो परम बुद्धिमान पांडवों के समीप गए। महाबुद्धिमान विदुर जी उस मार्ग को तय करके राजा युधिष्ठिर की राजधानी में जा पहुँचे और वहाँ द्विजातियों से सम्मानित होकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। कुबेर के भवन के समान सुशोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से मिले। सत्यवादी महात्मा अजमीर नंदन अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथायथ आदर सत्कार करके उनके पुत्रों सहित धृतराष्ट्र की कुशल पूछी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता, आप कुशल से तो आए हैं ना। बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं ना, तथा सारी प्रजा उनके वश में है ना, ये सब पूछ रहे हैं युधिष्ठिर। विदुर ने कहा, राजन इंद्र के समान प्रभावशाली महामाना राजा धृतराष्ट्र अपने जाति भाइयों तथा पुत्र सहित सकुशल हैं, अपने विनित पुत्रों से वे प्रसन्न रहते हैं, उनमें शोक का अभाव है, वे महामाना अपनी आत्मा से ही अनुराग रखने वाले हैं। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि वत्स मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है, तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो, इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर द्युत क्रीड़ा करें और मन बदलावे, हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। महामाना राजा धृतराष्ट्र ने वहाँ जो जुए के स्थान बनवाए हैं उनको और वहाँ जुटकर बैठे हुए धूर्त जुआरियों को तुम देखोगे। राजन मैं इसलिए आया हूँ, तुम चलकर उस सभा एवं द्युत क्रीड़ा का सेवन करो मतलब खेलो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी जुए में तो झगड़ा प्रसाद होता है, कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा, अथवा आप क्या ठीक समझते हैं, हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। तो युधिष्ठिर ने पहले मना किया, ठीक है यहाँ पे लिखा है पढ़ सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर बड़ों का आदेश का बहुत ज़्यादा मानता था इसलिए वो गया था शायद। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं क्या है। विदुर जी ने कहा, विद्वान मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ का ही जड़ है, इसलिए मैंने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया, तथापि राजा धृतराष्ट्र ने
मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यह सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वो करो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी, वहाँ राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर दूसरे कौन कौन धुर जुआ खेलने वाले हैं, यह मैं आपसे पूछता हूँ। आप उन सबको बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर देखिए धूर्त कह रहे हैं, मतलब उनको पता था कि जुआ में कुछ अमंगल होने वाला है, लेकिन बड़ों का आज्ञा इसलिए ज़्यादा मानना नहीं चाहिए होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ते हैं जो भी हो। विदुर ने कहा, राजन, वहाँ गांधार राज शकुनी है जो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्धस्त हैं। उसे द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान है। उसके सिवा राजा विभीषंती, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय भी रहेंगे। ये उस समय के महान राजा थे। युधिष्ठिर बोले, तब तो वहाँ बड़े भयंकर कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं, और वो राजा काफ़ी बड़े जुआरी भी थे। ये युधिष्ठिर बोल रहे हैं, इससे ही पता चलता है। विधाता का रचा हुआ ये संपूर्ण जगत देव के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ। पुत्रों को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूँगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में ना बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ नहीं खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, यह मेरा सदा का नियम है। तो विषमपन जी कहते हैं, जन्मे जय, विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की सारी तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। फिर सवेरा होने पर उन्होंने अपने भाई, बंधुओं, सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की। जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आँख की ज्योति को हर लेता है, उसी प्रकार देव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। देव से प्रेरित होकर मनुष्य रस्सी में बंधे हुए की भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। ऐसा कहकर शत्रुदमन राजा युधिष्ठिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन न करते हुए भी विदुर जी के साथ वहाँ जाने को उद्यत हो गए। बाहिक द्वारा जोते हुए रथ पर बैठकर शत्रुसूदन पांडु कुमार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ की। वे अपने राजलक्ष्मी से दैवीप्यमान हो रहे थे। उन्होंने ब्राह्मणों को आगे करके प्रस्थान किया। सबसे पहले राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को हस्तिनापुर की ओर चलने का आदेश दिया। वे नरश्रेष्ठ सेवक राजसेवक महाराज की आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो गए। तत्पश्चात महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर समस्त सामग्रियों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पुरोहित धौम्य के साथ राजमहल से बाहर निकले। यात्रा की सफलता के लिए उन्होंने ब्राह्मणों का विधि पूर्वक धन देकर और दूसरों को मनोवांछित वस्तुएं अर्पित करके यात्रा प्रारंभ की। तो दोस्तों, कुछ करने से पहले वहाँ के मतलब उस समय के लोग कुछ दान करते थे। ठीक है, दान करना उस समय का धन था, मतलब धर्म था, और उस समय के काफ़ी सारे राजा दान किया करते थे। राजा के बैठने के योग्य एक साथ वर्ष का गजराज सब आवश्यक सामग्री से सुसज्जित करके लाया गया। वो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न था। उसकी पीठ पर सोने का सुंदर हौदा कसा गया था। महाराज युधिष्ठिर पूर्वोक्त रथ से उतरकर उस गजराज पर आरूढ़ होदे में बैठे। उस समय वे हार, किरीट और अन्य सभी आभूषणों से विभूषित हो अपनी स्वर्णगौर कांति तथा उत्कृष्ट राजोचित शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सोने की वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की आहुति से प्रज्वलित हो रहे हों। तदंतर हर्ष में भरे हुए मनुष्य तथा वाहनों के साथ राजा युधिष्ठिर वहां से चल पड़े। वे राजपरिवार के लोगों से भरे हुए पूर्वाक्त रथ महान घोष से समस्त आकाशमंडल की गुंजाते जा रहे थे। सूत, मागत और बांदीजन नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उन गुण गाते थे। उस समय विशाल सेना से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर अपनी किरणों से आवृत हुए सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिससे राजा युधिष्ठिर पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन चारों स्वर्ण दंड विभूषित चंवर दुलाए जाते थे। भरत श्रेष्ठ पांडुनंदन युधिष्ठिर को
मार्ग में बहुत सारे मनुष्य हर्षोल्लास से भरकर महाराज की भांति जय हो करते हुए सुभाषीर्वाद देते थे और वे यशोचित रूप से सिर झुकाकर उन सबको स्वीकार करते थे। उस मार्ग में दूसरे बहुत से मनुष्य एकाग्रचित हो मृगों और पक्षियों से आवाज में निरंतर सुखपूर्वक क्रूर युधिष्ठिर की स्तुति करते थे। जन्मेजय इसी प्रकार जो सैनिक राजा युधिष्ठिर के पीछे 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 जा रहे थे, उनका कोलाहल भी समूचे आकाशमंडल को स्तब्ध करके गूंज रहा था। हाथी की पीठ पर बैठे हुए बलवान भीमसेन राजा के आगे आगे जा रहे थे। उनके दोनों ओर सजे सजाए दो श्रेष्ठ अश्व थे जिन पर नकुल और सहदेव बैठे थे। भरत श्रेष्ठ वे दोनों भाई स्वयं तो अपने रूप संदेह से सौंदर्य से सुशोभित थे ही, उस विशाल सेना की भी शोभा बढ़ा रहे थे। शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान श्वेतवाहन अर्जुन अग्निदेव के दिए हुए रथ पर बैठकर गांडीव धनुष धारण किए महाराज के पीछे पीछे जा रहे थे। राजन क्रूरराज युधिष्ठिर सेना के बीच में चल रहे थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां अपनी सेविकाओं तथा आवश्यक सामग्रियों के साथ सैकड़ों विचित्र पालिकाओं पर आरूढ़ हो बड़ी भारी सेना के साथ महाराज के आगे आगे जा रहे थे। पांडवों की वो सेना हाथी घोड़ों और पैदल सैनिकों से भरी पूरी थी। उसमें बहुत से रथ भी थे जिनकी ध्वजा पर पताकाएं फहरा रही थी। उन सभी रथों में शंख आदि अस्त्र शस्त्र सुसंग्रित थे। पैदल सैनिकों का कोलाहल सब ओर फैल रहा था। राजन शंख दुदुम्बी ताल वेणु और वीणा आदि वाद्य की तुमुल ध्वनि वहां गूंज रही थी। उस समय हस्तिनापुर की ओर जाते हुए पांडवों की उस सेना की बड़ी शोभा हो रही थी। जन्मेजय कुरुराज युधिष्ठिर अनेक सरोवर नदी वन और उपवनों को लांघते हुए हस्तिनापुर के समीप जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुखद और समतल प्रदेश में सैनिकों सहित पड़ाव डाल दिया। उसी छावनी में पांडुनंदन युधिष्ठिर स्वयं भी ठहर गए, मतलब विश्राम करने के लिए, रेस्ट लेने के लिए। रास्ता बहुत लंबा था। राजन तदंतर विदुर ने शोकाकुल वाणी में महाराज युधिष्ठिर को वहाँ का सारा वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया कि धृतराष्ट्र क्या करना चाहते हैं और इस द्यूत क्रीड़ा के पीछे क्या रहस्य है। तब धृतराष्ट्र के द्वारा बुलाए हुए काल के समयानुसार धर्मात्मा पांडुन पुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर में पहुँच कर धृतराष्ट्र के भवन में गए और उनसे मिले। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथा योग्य मिले, मतलब बातचीत की। तत्पश्चात पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर सोमदत्त से मिलकर दुर्योधन शल्य शकुनी तथा जो राजा वहाँ पहले से ही आए हुए थे उन सब से मिले। फिर वीर दुशासन उसके समस्त भाई राजा जयद्रथ तथा संपूर्ण कौरवों से मिल करके भाइयों सहित महाबाहु युधिष्ठिर ने बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र के भवन में प्रवेश किया और वहाँ सदा ताराओं से घिरे रहने वाले रोहिणी देवी के समान पुत्र वधुओं के साथ बैठी हुई पवित्रता गांधारी देवी को देखा। युधिष्ठिर ने गांधारी को प्रणाम किया और गांधारी ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तो दोस्तों, टीवी सीरियल या वीडियोस ब्लॉग्स पे दिखाया जाता है कि कर्ण गए थे बुलाने के लिए, लेकिन नहीं, विदुर गए थे। कर्ण हुआ पहले से ही आए हुए थे। तत्पश्चात उन्होंने अपने बूढ़े चाचा प्रजाचक्षु राजा धृतराष्ट्र का पुनः दर्शन किया। तो देखिए, बहुत सारा अनसुनी चीज़ें आप लोगों को जानकर मिल रही होगी, इसलिए मैं किताब का पेजेस दिखा रहा हूँ आप लोगों को। राजा धृतराष्ट्र ने कुरुकुल को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदि अन्य चारों पांडवों का मस्तक सूंघा, मतलब आशीर्वाद दिया। जन्मेजय उस पुरुष श्रेष्ठ प्रियदर्शन पांडवों को आगे आए देखकर कौरवों का बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात धृतराष्ट्र की आज्ञा ले पांडवों ने रत्नमय गृहों में प्रवेश किया। दुसुला आदि स्त्रियों ने वहां आए हुए उन सबको देखा। द्रुपद कुमारी की प्रज्वलित अग्नि के समान उत्तम समृद्धि देखकर धृतराष्ट्र की पुत्र वधुएं अधिक प्रसन्न नहीं हुई, मतलब द्रौपदी को देखकर वो सब खुश नहीं हुई, मतलब जल रही थी थोड़ा थोड़ा। तदंतर वे नरश्रेष्ठ पांडव द्रौपदी आदि अपनी स्त्रियों से बातचीत करके पहले व्यायाम और केश प्रसादन आदि कार्य किया। तदंतर नित्य कर्म करके सबने अपने को दिव्य चंदन आदि से विभूषित किया। तत्पश्चात मन में कल्याण की भावना रखने वाले पांडव ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर मानुकूल भोजन करने के पश्चात शयन गृह में गए। वहाँ स्त्रियों द्वारा अपने सुयश का गान करते हुए वे कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सो गए। उनकी वह पुण्यमय रास्ती रति विलास पूर्वक समाप्त हुई।
प्रातःकाल बंदी जनों के द्वारा स्तुति सुनते हुए पूर्ण विश्राम के पश्चात उन्होंने निद्रा का त्याग किया। इस प्रकार सुखपूर्वक रात बिताकर वे प्रातःकाल उठे और संन्या प्रसन्नादि नित्य कर्म करके अनंतर उस रमणीय सभा में गए। वहाँ जुआरियों ने अपना अभिनंदन किया। तो दोस्तों, इतिहास की चैप्टर आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर पे यहाँ पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।